हेलो वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइव में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज़िप्पे का कुछ टेक्निकल इश्यूज जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाला है, और अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते हो तो आप परेशान भी पड़ सकते हो। जैसे कि आप लोग मेरा ये टिकट देख सकते हो जिसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हो मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर टिकट किया था और लगभग ये मेरे पास 5 दिन से भी ज़्यादा पेंडिंग था। ओके, और इसका जो कंडीशन था, इसका यानी कि जो गलतियाँ था, ये एक्चुअल गलतियाँ ज़िप्पे की तरफ से ही था, और वो गलतियाँ था डिपॉजिट करने के दौरान जो है ट्रांजेक्शन उसका जो रिसीवर गेटवे है उसको रिसीव नहीं कर पाया है, तो वो रीज़न जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया था। तो बताया गया था कि आप पेमेंट नहीं किए हैं, हालांकि हमारे यहाँ से पेमेंट हो चुका था, और ज़िप्पे का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही वीक है, दिन में एक रिप्लाई आता है, तो जिसके कारण मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग आगे से इस चीज़ का ध्यान रख पाए। तो चलिए अब आगे का जो प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं क्या कुछ गया है हमारे साथ। सोच तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमने ट्रांजेक्शन किया था उसके लगभग 5 दिनों तक हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो यहाँ पे पेंडिंग था। जो हमारा डेट है 21 तारीख को जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को ये वीडियोस, और ये जो हमारा ट्रांजेक्शन था ये इससे पहले का था, तो हमने यहाँ पे कोई वीडियोस आप लोगों को अपडेट नहीं किया था। हालाँकि मुझे ये अपडेट बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया गया था, और मेरे साथ जो इशू हुआ है वो आप लोग के साथ ना हो, तो जिसके कारण मैं वीडियोस जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा पेंडिंग जो टिकट था वो लगभग 5 दिनों तक पेंडिंग था, और यहाँ पे लगभग रिप्लाई ना के बराबर है, यानी कि उसका सपोर्ट टीम इतना वीक है कि आपको रिप्लाई भी नहीं मिलता है। कई बार तो दिन में एक रिप्लाई आता है और कई बार दिन में कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो आपको जब भी इसमें ट्रांजेक्शन करना है तो इसमें आपको सोच समझ कर ट्रांजेक्शन करना है कि आपका ट्रांजेक्शन में अगर कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पे पैसा फंस सकता है, और आपको ज़रूर इसके लिए ध्यान रखना है अपने ट्रांजेक्शन के ऊपर। सोचते यहाँ पे देख सकते हो जो हमने ट्रांजेक्शन लाइव किया था इसमें, ओके, इसका हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो चालू था। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ट्रांजेक्शन जो है अमेज़ॉन पे के थ्रू हमने पेमेंट किया था, वो पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था, और साथ ही साथ हम अपना जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो बैंक का भी डिटेल्स आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, और इसका मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दिया है, थोड़ा फास्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो टाइमिंग है इसको भी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अभी भी लाइव टाइमिंग चल रहा है। और इसका जो गेटवे था लगभग सेफेक्स गेटवे करके नाम था, जो अभी शायद ज़िप्पे के एप्लीकेशन से रिमूव कर चुका है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैंने किया है, पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे ये जो है टाइमिंग ओवर हो जाने के बाद ये फिर भी इसको रिसीव नहीं कर पाता है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम उसी का था, गेटवे वालों का था। ओके, सो ज़िप्पे ने भी इसमें कुछ मदद नहीं किया है और न ही गेटवे की तरफ से कोई रिप्लाई आया है। तो आप लोग जब भी कोई गेटवे का यूज़ करते हो उसका आप लोग ऑन रिकॉर्डिंग ज़रूर रखें, ताकि आप लोग देख सकते हो मेरे पास रिकॉर्डिंग होने के बावजूद मैंने को एक हफ्ते तक का वेट करना पड़ा। तो आप लोग मान सकते हो कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप लोग एक सेफ पोजीशन में हो, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप उसको दिखा पाएंगे कि हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है इसका वीडियोज़ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था उसके बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो भी यहाँ पे मेरे को कुछ शो नहीं हुआ है मेरे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, और मेरा जो रेफरेंस नंबर था उसके थ्रू मैंने वहाँ पे तुरंत ही इसमें टिकट बुक कर दिया है, मतलब क्रिएट टिकट कर दिया है, ताकि मुझे जल्द से जल्द सपोर्ट टीम का रिप्लाई मिल सके कि इसका इशू जो है क्या हुआ है, और वो मुझे जितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट करके दे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका सपोर्ट टीम भी इतना वीक था कि मुझे हफ्ते भर का टाइम वहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किस तरीके से यहाँ पे टिकट जो है वो क्रिएट किया था,
तो आप लोग इस तरीके से अगर कोई इशू होता है तो अपना टिकट जो है इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर लिख के आप उसको क्रिएट टिकट कर दीजिएगा और डिस्क्लाइमर में अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैंक का भी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे दे दिया था और साथ में अमेज़ॉन पे का भी स्क्रीनशॉट वहाँ पे दे दिया था जो मैंने UPI ट्रांजेक्शन किया था, और बैंक का रिकॉर्ड भी उनको दिख जाए ताकि मेरा जो इशू है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और मैंने ये जो ट्रांजेक्शन आप लोग देख पा रहे हो ये मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा किया था इसमें, और इसमें जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था वो है 200 का, और यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन किया था MobiKwik के गेटवे से, और इसमें मैंने यूज़ किया था नेट बैंकिंग SBI का। तो यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ इशू हुआ था, बट यहाँ पे क्या हुआ था जो गेटवे था MobiKwik का इसमें जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट कर दिया गया था, तो जिसके कारण मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा यहाँ पे पैसा रिसीव करने में। फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे देख सकते हो जो दिक्कत है वो ZPay में अभी भी बढ़कर आ रहे है, तो आप लोग जब भी ट्रांजेक्शन करें सोच समझ के यहाँ पे ट्रांजेक्शन करें।